मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन सबमिट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनली आपको बताने वाला हूँ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अब दोस्तों 3 दिन के अंदर में आपको नए तरीके से आय, जाति, निवास आप बना सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन करने से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड तक वीडियो में बताया है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी है। आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि कैसे आप घर बैठे आय, जाति, निवास बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेने हैं। गूगल पर यहाँ पर टाइप करने हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गूगल पर टाइप किया है onlinesubmit.com। सबमिट में यहाँ पर DTT है और यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। जो पहला वाला वेबसाइट शो कर रहा है onlinesubmit.com, सबमिट में यहाँ पर DTT है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप सिंगल भी टी डालेंगे onlinesubmit.com तो DTT वाला ही आएगा, क्योंकि इसी साइट पर आपको जानी है। जैसे कि यहाँ पर खुलकर आ चुका है, यहाँ पर भी शो कर रहा है onlinesubmit.com, यहाँ पर भी शो कर रहा है onlinesubmit.com, बस सबमिट में DTT है। इस साइट पर दोस्तों आपको एक तरह की न्यू अपडेट मिलती रहती है, डेली के डेली अपडेट मिलती रहती है। तो मैं डायरेक्टली नीचे आ जाता हूं। आप देख सकते हैं जाति एनवाइस हर एक तरह के यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है, जिस कैटेगरी का काम है उस कैटेगरी में आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में तो डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है तो सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं आय, जाति, निवास। आय भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा और सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए ये आय, जाति, निवास अप्लाई ऑनलाइन 2022 तत्काल 2 दिन में बनाए जाति निवास, यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि आय, जाति, निवास के लिए इस तरीके से खुलकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बिहार आय, जाति, निवास अप्लाई ऑनलाइन 2022 पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहां पर क्लिक कर दिया हूं। अब देखिए ये एक पोस्ट बनाया गया है, इस पोस्ट के अंदर में हर एक चीज बताया गया है। हर एक पोस्ट के अंदर में ये चीज रहता है, सम इम्पोर्टेंट यूजफुल लिंक्स, अप्लाई ऑनलाइन आय, जाति, निवास, यहां से क्लिक हियर पे अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड आय, जाति, निवास, यहां से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट का लिंक दे दिए। जो आईडी पासवर्ड यहां से बनाकर अपना बनाना है वही आईडी पासवर्ड इसमें लॉगिन करके भी डाउनलोड करनी है। मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले वाले पर मैं क्लिक कर देता हूं, अप्लाई ऑनलाइन आय, जाति, निवास, क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ गया है। ये खुलने के बाद इस पर दोस्तों आपका एक आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो खुद का पंजीकरण पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। अगर पहले से आईडी पासवर्ड है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड को यहाँ पर डाल दिया है और जो ये कैप्चा दिखा रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, फिलअप करने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए जो ये वेबसाइट है पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगा और इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देनी है, यानी कि जितनी भी सर्विस है यहाँ पर ऑल करने पर सारा सर्विस यहाँ पर खुलकर आ जाएगी और उस सर्विस में से जो सर्विस आपको बनाना है वो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। देखिए ये इतनी सारी सर्विसेज है, सर्च बार के ऑप्शन में आय बनाना है या निवास बनाना है, जाति, जैसे कि जाति बनाना है तो कास्ट टाइप करेंगे, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीएम लेवल ऑनलाइन कर सकते हैं। निवास बनाना है तो यहाँ पर रेसिडेंस टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आ गया। अगर आय बनाना है तो यहाँ पर इनकम टाइप करेंगे। तो जिस तरीके से आय बनेगा उसी तरीके से जाति निवास बनेगा। बस आय में यही है कि आपका इनकम डालना है, साल भर का इनकम डालना है। जाति में यही कि अपना जाति डालना है कि कोयरी है या जाडो है या भूमिहार है, राजपूत, पंडित, जो भी है अपना जाति डाल सकते हैं। और निवास में क्या कहते हैं, कौन सा का आपका खास निवास है, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो सही से आपको डालना है, बस यही फर्क है तीनों में। तो मैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनाकर दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी बना लेंगे। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बस वीडियो का एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बता दूं, मैंने इनकम टाइप किया तो यहाँ पर आरओ, एसडीओ, डीएम लेवल। तो सबसे पहले बता दूं कि आरओ लेवल यानी कि राजस्व स्तर से बनता है, उसके बाद एसडीओ लेवल यानी कि अंचलाधिकारी स्तर से बनता है, उसके बाद डीएम लेवल यानी कि जिलाधिकारी स्तर से बनता है। तो मैं सबसे पहले आरओ लेवल पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये पूरी फॉर्म खुलकर हमारे पास आ जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी तरीके से खुलकर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जेंडर में पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं सिलेक्ट कर लेंगे। अभिवादन में जो जोड़ना चाहते हैं दे सकते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिन कैंडिडेट का बना रहे हैं उनका यहाँ पर नाम डाल लेनी है। मैंने डाल दिया यहाँ पर, ऑलरेडी हिंदी में हो गया। फिर पिताजी का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। फिर माताजी का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अगर किसी लेडीज का फोन नंबर है तो उनके पति का नाम यहाँ पर डाल दें। आवेदक का मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बस वीडियो को इन तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। बस वीडियो को इन तक जरूर देखें। उसके बाद जो भी आपका राज्य है, राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। जिला है, जिला सिलेक्ट कर लेंगे। अनुमंडल है, अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे। अपना प्रखंड सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत में पढ़ता हूँ तो ग्राम पंचायत को अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गांव का नाम डाल देंगे। बस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं केवल आपके पास लाइव दिखा। देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को मैंने फिलअप कर लिया। थाना डालना है तो यहाँ पर थाना को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड डालना है तो पिन कोड को सिलेक्ट किया। अब देखिए आवेदक का फोटो, आवेदक का फोटो यहाँ पर आधार संख्या, आधार संख्या छोड़ दीजिएगा क्योंकि अपलोड के माध्यम से बनाना है। आवेदक का फोटो मतलब फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, ये दोस्तों 20 से 50 के बी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो भी आपका पेशा है, छात्र है तो छात्र डालेंगे, जो भी अपना है डाल लेंगे। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो मैं यहाँ पर नामांकन कराना चाहता हूँ तो नामांकन डाल लेंगे। सरकारी आय 0 है, कृषि से 0 है, व्यवसाय से 0 है, अन्य स्रोतों से, तो यहाँ पर मैं 85,000 कर लेता हूँ दोस्तों। कुल आय आपका यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आय डाल देंगे। यहाँ पर जो कैप्चा को दिखा रहा है यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ, डायरेक्टली प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी इसमें त्रुटि हो तो एक बार मिला लेंगे इसको। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है यहाँ हिंदी में देख लेंगे कि गलती है या सही है। अगर सारा चीज सही है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देनी है। अगर कोई भी गलती है तो एडिट वाले बॉक्स पे जाकर अपना सुधार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर लेता हूँ, यानी कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर दोस्तों पिछले में आधार नंबर डाले होते तो ओटीपी के माध्यम से ये अपलोड करने का जरूरत नहीं रहता। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं पैन कार्ड दे देता हूँ। और दोस्तों इस तरीका से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेरा है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं अपने गैलरी में आ गया हूँ यहाँ पर फाइल में, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पैन कार्ड। और डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर सेव अनेक्सर पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दस्तावेज में पैन कार्ड यहाँ पर दिखाने लगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शो भी करेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारा चीज यहाँ पर क्लियर कर लिया है। मैंने यहाँ पर फॉर्म भी भर दिया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, डायरेक्टली मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों जहां पर आपको एक रिसीविंग मिलेगी उस रिसीविंग को रख लेनी है। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रिसीविंग मिली है, इस रिसीविंग को रख लेनी है। और यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है ना, इससे ही आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला टाइप करेंगे तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। ये इस आवेदन संख्या को आप प्रिंट कर लीजिएगा, नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर लीजिएगा। यहां से तो मैं ऑनलाइन आवेदन कर दिया, लेकिन अब ये डाउनलोड कहां पर होगा ये मैं बता देता हूं। तो मैं यहां पर पहले वाले वेबसाइट पर चल जानी है, onlinesubmit.com। सबमिट में यहां पर डबल टी है। अब देखिए डाउनलोड आय जाति निवास, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल इसी के जैसा ये साइट खुलेगा, और जो आईडी पासवर्ड इसमें लॉगिन किया था वही आईडी पासवर्ड इसमें भी लॉगिन कर लेनी है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर मैंने डाल दिया है, फिर से मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किए हैं बिल्कुल उसी साइट के जैसा, इसी साइट के जैसा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए दोस्तों जो रिसीविंग में आपका ये लास्ट डिजिट यहाँ पर था, इस डिजिट को यहाँ पर डालेंगे। दिखा देते हैं आपको, लाइव आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये साइट ओपन हो रहा है। अब डेट बोला जा रहा है किस डेट में बनाया है, तो मैं इतना से इतना के बीच में डाल दिया हूँ। डायरेक्टली गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। ये इतना इतना के बीच में गेट डाटा करके सर्च करके आपका ला देगा कि आपका बना है या नहीं बना है दोस्तों। अंडर प्रोसेस दिखाएगा तो समझ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, जो मैंने वहां पर बोला था लास्ट डिजिट यहाँ पर टाइप कर देनी है।
तो इस तरीका से यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरफेस यहाँ पर दिखा रहा है। अगर दोस्तों नहीं बना रहता तो यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखाता है, अगर बन जाता है तो डायरेक्टली डिलीवर का ऑप्शन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आरओ लेवल यहाँ पर बनाया हुआ था, डिलीवर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दिखाएगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर जो सादा पेज आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद में आया होगा। यहाँ से ऑनलाइन करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट कर सके। तो चलिए तो मैं आपके लिए लाते हैं स्पेशल एक नई वीडियो।